नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंसल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। और डीडी न्यूज की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को। तो आइए सबसे पहले इस विशेष समाचार प्रसारण में रुख करते हैं सुर्खियों का। त्रिपुरा में माणिक साह आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समारोह में रहेंगे मौजूद। कई केंद्रीय मंत्रियों, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गणमान्य लोग होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और उनके मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया, गौरव का क्षण। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का आज से 4 दिवसीय भारत दौरा। प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई क्षेत्रों में समग्र द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो भारत दौरे के दूसरे दिन व्यापार और निवेश के अवसरों को तलाशने के लिए करेंगी अहम बैठक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर भी करेंगे चर्चा। कोविड महामारी के बाद से बंद भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता का भी 10 मार्च को होगा शुभारंभ। खेल की खबरों में महिला प्रीमियर लीग के 5वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी को 42 रन से हराया। लगातार दूसरी जीत के साथ दिल्ली अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंची। आज गुजरात जायंट्स और आरसीबी आमने सामने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। समाज में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने का दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व संध्या पर कहा, महिलाएं सभी क्षेत्रों में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ अभूतपूर्व कीर्तिमान कर रही हैं स्थापित। पूरे देश में रंगों के त्योहार होली की धूम। लोग धूमधाम से मना रहे हैं रंगों का त्योहार। देश के हर कोने में बच्चों से लेकर वृद्धजन तक सभी ने इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास से मनाने की जताई प्रतिबद्धता। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा की, जहां राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर माणिक साह के शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी कर ली गई है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य डॉक्टर साह को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ये कार्यक्रम अगरतला के स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में होगा, जहां मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद के सदस्यों का भी शपथ ग्रहण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस समारोह में शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल शाम अगरतला पहुंचकर मनोनीत मुख्यमंत्री माणिक साह के साथ बैठक की। प्रदेश भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में माणिक साह की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गुवाहाटी से अगरतला के लिए रवाना होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राज्य की अपनी यात्रा की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की और लिखा, गुवाहाटी में उन्हें मिले प्यार और स्नेह से अभिभूत हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मंगलवार को असम की जब गुवाहाटी पहुंचे तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने
गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। जैसे ही प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से बाहर निकले, बड़ी संख्या में लोगों ने उनके काफिले पर फूलों की वर्षा की, उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री यहाँ गेस्ट हाउस में असम के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के साथ बैठक भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बैठक के बाद ट्वीट किया, मेरे कैबिनेट सहयोगियों के लिए एक दुर्लभ सौभाग्य कि आज गुवाहाटी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला और असम के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है और अपार गौरव का क्षण। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का आज से भारत दौरा शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज 4 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करते हुए अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री अल्बनीज गांधी आश्रम भी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उनका ये पहला भारत दौरा है। इस दौरान उनके साथ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल भी भारत आ रहा है। उनकी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अल्बनीज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण खनिजों, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। अमेरिका की वाणिज्य सचिव जिना रायमोंडो अपने 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। वे भारत और अमेरिका के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसरों को खोलने पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ प्रमुख बैठकों की अध्यक्षता करेंगी। कोविड-19 महामारी सहित कई कारकों के कारण रुकी भारत यूएसए वाणिज्यिक वार्ता भी 10 मार्च को पुनः शुभारंभ होगी। वे अमेरिका पक्ष का रिप्रेजेंटेशन करते हुए आज व्यापार और निवेश के अवसरों को तलाशने के लिए अहम बैठक करेंगी। इस दौरान सचिव रायमोंडो केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा करेंगी। रक्षा मंत्रालय ने 70 HTT 40 बुनियादी प्रशिक्षक विमान और 3 कैडेट प्रशिक्षक पोत प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किए गए समझौते के अनुसार 70 HTT 40 प्रशिक्षक विमान की खरीद पर 6,800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 3 कैडेट प्रशिक्षक पोत की खरीद पर 3,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। भारतीय वायुसेना में HTT 40 प्रशिक्षक विमान की कमी है। HUL के साथ संबंधित विमान की खरीद को लेकर ये कमी अब पूरी कर ली जाएगी और इससे नए पायलट्स को प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये विमान 6 वर्ष की अवधि में वायुसेना में उपलब्ध करवाए जाएंगे। कैडेट प्रशिक्षक पोत लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली शिपयार्ड में निर्मित किए जाएंगे। परियोजना से 4.5 वर्ष की अवधि में 22,50,000 मानव रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी में अफगानिस्तान को 20,000 मेट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की घोषणा की। कल नई दिल्ली में हुई अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक में इसकी घोषणा की गई। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के विशेष दूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान राजनीतिक सुरक्षा और मानवीय हालात समेत अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। सभी प्रतिभागियों ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर देते हुए शांतिपूर्ण और सुरक्षित अफगानिस्तान के लिए अपना समर्थन दोहराया। प्रतिभागियों ने आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए जो तमाम खतरे हैं उस पर चर्चा की और इन खतरों से निपटने के लिए संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए या फिर आश्रय देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, योजना बनाने के लिए और वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने असल मायनों में समावेशी और प्रतिनिधि राजनीतिक संरचना के गठन के महत्व पर जोर दिया जो सभी अफगान लोगों के अधिकारों का सम्मान करे। प्रतिभागियों ने वहां के मौजूदा मानवीय स्थिति पर ध्यान दिया और अफगान लोगों की मानवीय सहायता प्रदान रखने पर सहमत हुए। वक्त ब्रेक का। गॉट इट। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। जो करते हैं खबरों का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आधी आबादी को दुनिया कर रही है सलाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाएं सभी क्षेत्र में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं जागृत हैं और कई क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन भी। राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों विशेषकर महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। होली के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अलग अलग स्कूलों और संगठनों के छात्रों ने राष्ट्रपति भवन में आकर बधाई दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को होली के अवसर पर बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि होली रिश्तों को मजबूत करने, गलतियों को माफ करने और वसंत की नई शुरुआत का स्वागत करने का त्यौहार। होली के जीवंत रंग देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात खेल जगत से। महिला प्रीमियर लीग के पांचवें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हराया। इस टूर्नामेंट में ये दिल्ली की लगातार दूसरी जीत। वहीं यूपी को पहले मैच में जीत के बाद दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैग लेनिंग और जेस जॉनसन की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 211 रन बनाए थे। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत।